हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप जानते हैं जैसे कि मैं पायल फ्रॉम द चैनल ऑफ नॉलेज अनलीस्ड बाय पायल शेखावत में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। और प्रीवियस की क्लासेस में जैसे कि मैंने आपको लिस्ट पे दो पार्ट्स करवा दिए हैं, आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी और आपको वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहा। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज हम लिस्ट का ही पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम बात करेंगे लिस्ट विथ स्प्लिट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, हमने लिस्ट देख लिया था, लिस्ट विथ लिस्ट फंक्शन का यूज़ भी हमने करके देख लिया था। आज हम हमारे सिक्वेंस डेटा टाइप में जो लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम स्प्लिट फंक्शन का किस तरह यूज़ करके हमारी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि सबसे पहले हम सीखेंगे क्रिएट लिस्ट विद स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, अब जैसे बता रहे, देखिए, इन पाइथन यू मे नीड टू ब्रेक अ लार्ज स्ट्रिंग डाउन इंटू स्मॉलर स्ट्रिंग्स, देन वी यूज द स्प्लिट फंक्शन। पाइथन में अगर हम लार्ज स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग तो आप समझते हैं, लार्ज स्ट्रिंग को स्मॉलर स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर इज़ वाइट स्पेस। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सेपरेटर होता है, सेपरेटर आप जानते हैं किसी भी पार्ट को सेपरेट करना, ये क्या होता है, हमारा वाइट स्पेस। जैसे कि अगर हम इसको, इस स्ट्रिंग को पार्ट करना चाहते हैं ना, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेपरेटर का क्या रहेगा, जहाँ जहाँ आपको ये वाइट स्पेस दिख रहा है, ये क्या रहेगा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेपरेटर रहेगा। यानी ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से इस स्पेस से सेपरेट हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो यही होता है स्प्लिट फंक्शन का यूज़ हमारे लिस्ट में, कि हम अगर लार्ज स्ट्रिंग को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं हम इसका। देखिए, जो भी हमारा वेरिएबल होगा, हमें वो वेरिएबल यहाँ पे देना होगा, देन उसके बाद हमें डॉट का यूज़ करना है। ठीक है, डॉट का यूज़ करना और फिर स्प्लिट का यूज़, स्प्लिट लिखना है ना, स्प्लिट फंक्शन लिखना है। तो देखिए, स्प्लिट तो हमने लिख लिया और फंक्शन का ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे लगा लिए। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें कि हमें लिखना होगा हमारे सेपरेटर, यानी आपका जो जिस स्ट्रिंग को आप डिवाइड करना चाहते हैं उनके बीच में सेपरेटर क्या है। जैसे कि अभी मैंने वाइट स्पेस बताया था, उसकी जगह जैसे कॉमा भी हो सकता है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो क्या है, हमारे सेपरेटर है, जो कि दो वर्ड्स को आपस में सेपरेट कर रहे हैं, या जिनको सेपरेट करके हम हमारे स्ट्रिंग को, लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, है ना, वही है यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे, जिसको देख कर ही ये सेपरेट करेगा स्प्लिट फंक्शन। यहाँ पे फिर हमने फिर से ब्रैकेट्स लगाया और यहाँ पे हमने लिखा है मैक्स स्प्लिट, है ना, कि हम कितने स्ट्रिंग्स को स्प्लिट करवाने चाहते हैं। मान लीजिए अभी जैसे कि प्रीवियस का जो हमारा एग्जांपल था, ठीक है, यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग लिखी है, पर अगर हम यहाँ चाहते हैं कि केवल इन दो को स्प्लिट करें, बाकी को स्प्लिट ना करें, तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे, मैक्स स्प्लिट में टू नंबर लिख दिया। अगर हम चाहते हैं कि इन तीन को स्प्लिट करें और बाकी को स्प्लिट ना करें, तो हमने वहाँ पे थ्री नंबर लिख दिया। ठीक है, तो यही होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग नंबर्स लिखवा सकते हैं, मैक्सिमम कितना स्प्लिट करें, कितने नंबर से स्प्लिट करें। तो चलिए सेपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, यह एक ऑप्शनल है। देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट सेपरेटर किसे मानेगा, स्पेस को मानेगा। दिस इज डेलिमिटर्स, ये आपका क्या है, डेलिमिटर्स है, सेपरेटर है। द स्ट्रिंग स्प्लिट्स एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर, जो स्ट्रिंग होती है आपकी स्प्लिट करती है आपके जो भी स्पेसिफाइड ऑपरेटर दिए होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉमा होगा या कॉलन होगा, कोई भी अदर ऑप्शंस होंगे ना, तो उन्हें भी क्या करेगी ये, उसके अकॉर्डिंग आपके दी गई स्ट्रिंग्स को स्प्लिट कर देगी। If the separator is not specified, any white space, space, new line, etc. string is a separator. अगर आपने कोई separator यहाँ पे specify नहीं किया है, कोई comma का बताया नहीं है आपने, या कुछ भी नहीं लिखा है, तो by default ये क्या करेगा, आपका जो भी space होगा जैसे मैंने बताया, या कोई new line होगी, उसे ही क्या मानेगा, ये separator
मानेगा। मैक्स स्प्लिट ऑप ये भी क्या है, आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें दें या फिर कोई सा नंबर ना दे तब भी आपका स्प्लिट तो होगा ही, है ना, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल यानी आप चाहे तो इनमें वैल्यूज पुट करें, अदरवाइज नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगा। द मैक्स स्प्लिट डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मैक्स स्प्लिट इज -1, बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू रहती है वो -1 रहती है। या तो आप कुछ भी मत लिखिए या -1 लिखिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। मीनिंग नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्प्लिट्स, ठीक है, आपके इसमें कोई लिमिट्स भी नहीं है। अब स्प्लिट फंक्शन के थ्रू रिटर्न वैल्यूज कौन सी हमें मिलती है, द स्प्लिट ब्रेक्स द स्ट्रिंग। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन जो भी स्ट्रिंग होती है उसे क्या करता है, ब्रेक्स करता है एट द सेपरेटर, सेपरेटर के ऊपर उन्हें, सेपरेटर से क्या करता है, उन्हें ब्रेक करता है एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और क्या करता है, हमें स्ट्रिंग को लिस्ट के रूप में हमें शो करवा देता है। सिंपल है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए अब इसका हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं। आई होप थ्योरी तो आपको समझ में आ ही गई होगी, आप अपने नोट्स अच्छे से बना ही लेंगे। अब हम इसका प्रोग्राम पे रन करके देख लेते हैं कि कैसे हमारा स्प्लिट फंक्शन वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा, हमने str नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, कोई स्ट्रिंग हम इसमें लिखवा देते हैं, हेलो टू ऑल, ठीक है, हमने सिंपल सी स्ट्रिंग ले ली है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, इन्हें डिवाइड करेगा, ठीक है, हमने सिंपल सी स्ट्रिंग ले ली है। अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, हमारा सबसे पहले वेरिएबल लिखना होगा, डॉट स्प्लिट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम लगा देंगे ब्रैकेट्स। पहले हम देख लेते हैं इसके थ्रू क्या प्रिंट होता है। देखिए सबसे पहले हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या ले लिया इसने, जो भी वाइट स्पेस था उसके अकॉर्डिंग हमें इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट के रूप में हमें शो करवा दिया, ठीक है, काफ़ी सिंपल था, मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने कहा था आप चाहे ऑप्शनल है, चाहे तो आप दे इसमें सेपरेटर्स के सिंबल्स या आप ना दें, ठीक है, तो वो ही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब अगर हम कुछ इसमें भी देना भी चाहते हैं, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करवाना चाहते हैं हम ब्रैकेट्स, ठीक है, हमें अब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना होगा सेपरेटर देने के लिए, अगर हम इसके बीच में वाइट स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, वाइट स्पेस आएगा तो नॉर्मल यही, बट बताना भी ज़रूरी है ना, ये हमने क्या दे दिया यहाँ पे, वाइट स्पेस दे दिया कि अब जो ये सेपरेट करे वो किसके अकॉर्डिंग करे, आपके वाइट स्पेस के अकॉर्डिंग करे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है। इसके अंदर हमें स्पेस, हमें डबल इन्वर्टेड कोट्स में हमारा स्पेस बताएंगे तो जो भी हमारे स्ट्रिंग होगी वो हमें आउटपुट में स्प्लिट होके शो हो जाएगी। देखिए ब्रैकेट्स का यूज़ हमें केवल हमारे सिंटैक्स लिखते टाइम यूज़ करना है, प्रोग्राम में ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगर स्क्वायर नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा के वर्क करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ना लगा के, वो केवल सिंटैक्स में बताए गए थे, उन्हें नहीं लगाना है। और करके देखते हैं इस पे वर्क हम, ठीक है, स्ट्रिंग लिखते हैं, अभी हम दूसरा लिखते हैं ना कोई, क्योंकि यहाँ पे इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हमने क्या कर लिया, उसे कॉपी कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा सेपरेटर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कॉमा दे दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर कॉमा दे दिया, ठीक है। मैंने कहा था कि हम सेपरेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, सेपरेटर आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन भी कर सकते हैं। तो हम इसको आप प्रिंट करवा के देखते हैं, स्प्लिट करवा के देखते हैं, str डॉट स्प्लिट, अब हम यहाँ क्या लिखवा देंगे, कॉमा लिखवा देंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, जहाँ जहाँ भी कॉमा मिलेगा वहाँ वहाँ से क्या करवा देगा, ये स्प्लिट करवा देगा। खैर वही था यहाँ पे भी, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगवा देते हैं कॉमा, ठीक है, हम कहाँ पे लगा देते हैं कॉमा, और यहाँ पे कॉमा की जगह आप चाहें तो कॉलन या अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हैं, है ना, उसको क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ओके ओके, ये गलती से यहाँ पे एंटर हो गया था, क्या डिलीट तो नहीं होगा, है ना, तो हम यहाँ पे इसको, ये जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके लिए हम यहाँ पे
फॉर्मूला पुट करते हैं, आएगा ही ये तो, ठीक है इसको हटा देते हैं यहाँ से, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमने कॉमा अलग अलग जगह लगाया है, अब हम यहाँ पे स्प्लिट करके देखते हैं, str.split, ठीक है हमने लगा दिया यहाँ पे, कॉमा का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ वहाँ से क्या कर दिया, हमारे स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक लिस्ट के रूप में हमें हमारा रिजल्ट शो करवा दिया। काफ़ी सिंपल था, कोई इसमें बिल्कुल आपको रिस्क ऐसा हार्ड वाली चीज़ नहीं है कि आपको समझ में आई या नहीं आई। सिंपल हमने क्या लिखा था, स्ट्रिंग्स लिखी थी और उसको हमने वाइट स्पेस के थ्रू कन्वर्ट स्प्लिट करना देखा, साथ ही साथ हमने कोई अगर सेपरेटर दिया है तो उस सेपरेटर के थ्रू भी हमने क्या देखा था, इसे स्प्लिट करना देखा, और क्या देखा था कि किस तरह से हम स्प्लिट फंक्शन का अभी इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। अभी केवल हमने सेपरेटर देखा था, अब हम इसमें मैक्स वैल्यू जो दी थी हमने वो अगर हम चाहें तो हम उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कर्सर ले जाएंगे, एंटर करेंगे तो यही लाइन हमारी यहाँ पे नीचे प्रिंट हो जाएगी। str लिखते हैं .split, स्प्लिट लिख दिया हमने, फंक्शन का यूज़ कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे इसको, वो नंबर्स बताएंगे कि किससे तो डिवाइड आपका सेपरेट हो रहा है और कितने नंबर तक का आपको स्प्लिट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, इसे कॉम स्पेस दे देते हैं, ठीक है स्पेस दे दिया हमने और कॉमा लगा दिया, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे वो नंबर देना है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि अभी हम दो नंबर तक का ही क्या चाहते हैं, स्प्लिटेशन चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो नंबर्स दे दिए हमारे, अब हम इसे एंटर करके देखते हैं तो सेम ही आउटपुट आ रहा है। हाँ सेम आउटपुट क्यों आ रहा है आप बता सकते हैं, आप समझ गए होंगे। देखिए दो तक तो हमारा स्प्लिट कर ही रहा था, अब रिमेनिंग कौन सा था, वन, उसे भी स्प्लिट करके बता रहा है। या तो हमें हमारी स्ट्रिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी या फिर हमें हमारा जो हम इसमें हमारे डिटेल दे रहे हैं इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अब जब हमने वन लिखा तो केवल वन तक को क्या करवाया इसने, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। उसके आगे का जो था उन्हें स्प्लिट नहीं करा है, ये जैसे के जैसे थे उन्हें क्या करवा दिया, यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। सिंपल था कि या तो जैसे हमने टू लिखा तो टू में तो क्या करा, इन दोनों को क्या करवा दिया, इसने स्प्लिट करके हमें शो करवा दिया। अब जो रिमेनिंग था उसे भी इसने तो डबल इन्वर्टेड कोट्स में हमें दिखा दिया, कोट्स में दिखा दिया था, तो आप लोगों के लिए समझने की दिक्कत आया। फिर हमने क्या करा, इसमें नंबर चेंज कर दिया, वन करा, तो अब देखिए वन करा यानी वन तक का जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको क्या कर दे, लिस्ट में कन्वर्ट कर दे और बाकी को अलग में ही रखे। देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स इन दोनों के बीच में नहीं है, केवल जो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई थी वैसी की वैसी स्ट्रिंग यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है ये हमने स्ट्रिंग पे करके देखा है, आप चाहे तो इन्हें नंबर्स पे भी करके देख सकते हैं कि नंबर्स पे किस तरह से आपके स्प्लिट फंक्शन वर्क करके देखता है। तो चलिए नंबर पे भी एक हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, NU करके वेरिएबल ले लेते हैं और हम इसमें क्या लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं। अब नंबर लिख रहे हैं बट स्ट्रिंग पे वर्क करवाना है तो हमने क्या लिखा, इसे डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा, ठीक है ठीक है। जितना भी आप चाहें उतना आप ले सकते हैं, ठीक है हमने 9 तक ले लिया। अब हम चाहते हैं इस पर स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करवाना, आप चाहे तो प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके भी आप स्ट्रिंग फंक्शन को लिख सकते हैं या फिर आप नॉर्मल भी जैसे मैंने अभी पहले यहाँ ऊपर लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके भी हम देख लेते हैं। प्रिंट हमने यहाँ पर लिखा, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, स्प्लिट लिखवाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमारा सेपरेटर बताना है, सेपरेटर कौन है, कॉमा है, ठीक है कॉमा है और यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। अब कितने तक के आप सेपरेट करवाना चाहते हैं, अगर हम बिना किसी रीज़न के, देखिए चलिए हम इसको पहले एक बार रन करके देख लेते हैं ना, अभी हम इसको क्या नहीं दे रहे हैं, हम इसको वो नंबर नहीं दे रहे हैं कि कितने तक की वैल्यूज़ को ही लिस्ट में कन्वर्ट करवाना है, सिंपल करवाया। देखिए अभी क्या बता रहा है, सभी को स्प्लिट करके यहाँ पे शो करवा रहा है लिस्ट के रूप में, है ना, वन को बता दिया, टू को बता दिया, थ्री को बता दिया, फोर को, है ना, और सेपरेटर कौन है हमारा, कॉमा, उनसे इसे सेपरेट करके बता दिया। अब हम अगर चाहें इसमें नंबर देना कि हम पर्टिकुलर किसी नंबर तक के ही
स्ट्रिंग को स्प्लिट करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको कॉमा लगा के, ठीक है, कॉमा लगा के हम वो नंबर दे देंगे जो भी हमें देना है। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे 3 दे देते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो अब आप समझ ही होंगे क्या होगा, 3 तक की तो स्प्लिट कर देगा, बाकी को स्प्लिट नहीं करेगा। एंटर कर दिया, देखिए अब 1, 2, 3 यहाँ तक को तो स्प्लिट कर दिया और बाकी को स्प्लिट नहीं करा है, ठीक है, सिंपल है। काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जो एरर आई है उससे आपको समझ में आया कि हमने किस तरह से एरर को रेक्टिफाई करा। आप लोग अपने घरों में डेली इस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह एरर रेक्टिफाई करनी है ना, और हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते समय क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, किस किस तरह से हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मुझे ये लगता है कि आप लोगों को मेरी क्लास से में समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आपको प्रोग्राम प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो तब तक के लिए, आज की क्लास के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप लोग अपने घरों पे इस पे प्रैक्टिस करें, इन प्रोग्राम्स को रन करके देखें, और अगर किसी भी तरह का डाउट आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और थिंग मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, ठीक है, जैसे कि -1 वाला अभी मैंने आपको नहीं बताया था ना, तो हमने यहाँ पे एंटर करा, इस सीरीज़ को ले आते हैं, मैंने बताया था -1 कुछ भी नहीं लेता है ना, तो हम उसका भी एक बार वर्क करके देख लेते हैं। nu.split फंक्शन, ठीक है, ये तो क्या दे दिया हमने, स्पेस दे दिया, कॉमा लगाया, -1। देखिए -1 क्या करता है, नॉर्मल जो हमारा प्रिंट होता है इसका वही आउटपुट रहता है जो कि हमारा केवल एक स्पेस के साथ रहता है ना, ऊपर तो नहीं दिया, हाँ ऊपर तो नहीं दिया हुआ है, इसका वही रहता है जो कि हमारा एक नॉर्मल स्पेस के साथ रहता है, पूरे को एक ही मानता है, डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।